कल एमबीपीएससी प्री 2019 का स्कोर कार्ड आया। प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं एवं बधाई। प्रदेश के सभी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इस बार सभी विद्यार्थियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एमबीपीएससी में इतनी अधिक पोस्टें किसी भी वर्ष नहीं आई। जो विद्यार्थी कंटिन्यू मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, कंटिन्यू आंसर राइटिंग करेंगे, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को तैयारी में लगाएंगे, उन विद्यार्थियों को इस वर्ष 100% एक पोस्ट मिलने वाली है। मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन था। संस्कारदानी जबलपुर एवं राम अकेडमी के छात्रों ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया। बहुत सारे विद्यार्थियों का मेरे पास मैसेज और कॉल आया जिन्होंने 70+ स्कोर किया है, तथा बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो 70 के नज़दीक हैं। यदि मैं फाइनल रिजल्ट की बात करूं तो फाइनल रिजल्ट कभी भी घोषित हो सकता है। हाई कोर्ट में लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर हियरिंग चल रही है, तो जो रिजल्ट है वो कभी भी घोषित हो सकता है। तो अतः सभी विद्यार्थी बगैर टाइम को बर्बाद किए अपनी पूरी एनर्जी मेंस की प्रिपरेशन में लगा दें। लगातार सभी विद्यार्थी आंसर राइटिंग का, जो विद्यार्थी 2020 पीएससी को टारगेट कर रहे हैं वह भी अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। वो विद्यार्थी 2020 प्री और मेंस को एक साथ तैयार करें, जल्दी 2020 पीएससी के लिए भी नोटिफिकेशन जारी होगा। यदि मैं कट ऑफ की बात करूं तो मेरे अनुसार कट ऑफ लगभग 68-70 रहना चाहिए। अतः जो विद्यार्थी 70 से ऊपर हैं, चाहे वह किसी भी कैटेगरी के हों, या जो विद्यार्थी 70 के नज़दीक हैं, वह सभी सेफ हैं। अतः वो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रखें। कैटेगरी वाइज कट ऑफ में थोड़ा अंतर आएगा, वो है आप स्क्रीन पर देख सकते। अब बचे हुए समय में 2019 मेंस की प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो मैं आपको कुछ ब्रीफ में स्ट्रेटजी बताता हूँ। बाकी ऑनलाइन क्लासेस में हम डीप में स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट पे जाकर। आप सभी लोग प्रिपरेशन करते समय सिलेबस और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर अपने साथ लेकर बैठें। सिलेबस को ध्यान से पढ़ें। सिलेबस में जो हेडिंग्स लिखी हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। मान लो सिलेबस में लिखा है एक एमपी का टॉपिक है कृषि जलवायु क्षेत्र, तो आपको सबसे पहले कृषि जलवायु क्षेत्र को कवर करना चाहिए। तो या मान लो लिखा है हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था, तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था को पहले तैयार करना चाहिए। तो पढ़ते समय जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो सिलेबस सामने होना चाहिए, और सिलेबस में जो भी हेडिंग्स लिखी हैं उनको अपन को सबसे पहले तैयार करना है। और साथ ही आप लोग जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको बार बार देखें, उन पेपर्स के अकॉर्डिंग एनालिसिस करें कि किस तरीके से एमपीपीएससी में 3 मार्कर पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से 6 मार्कर पूछे जा रहे हैं, और किस तरीके से 15 मार्कर पूछे जा रहे हैं। लास्ट ईयर के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही 2019 में से क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अपनी आंसर राइटिंग करें। किसी विद्यार्थी को नोट्स या मटेरियल को लेकर कोई समस्या है तो वह राम अकेडमी से कांटेक्ट कर सकता है, हम उसे नोट्स और मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। सभी विद्यार्थी पढ़ते समय पेपर 4 इथिक्स, पेपर 5 हिंदी और ऐसे राइटिंग, इन पेपर पर विशेष ध्यान दें। तीनों पेपर का सिलेबस छोटा है और स्कोरिंग है। जो तीनों पेपर हैं वो आपको एक अच्छी रैंक दिलाएंगे। मैं बात करूं इथिक्स, तो मेरे अनुसार इथिक्स को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है उसमें पहला पार्ट है थिंकर्स, दूसरा पार्ट है केस स्टडी, और तीसरा पार्ट है बाकी बची हुई यूनिट। तो आपको विशेष ध्यान देना है केस स्टडी और थिंकर्स पर। यदि आप इन दोनों का वेटेज देखोगे लास्ट ईयर के जो पेपर हुए हैं, तो आपको लगभग 120 से 130 मार्क्स के केवल केस स्टडी और थिंकर्स देखने मिल जाएंगे। तो पढ़ते समय इन पर विशेष ध्यान देना है। और केस स्टडी की भी अच्छी बात है कि यदि आप एक बार केस स्टडी को सॉल्व करना सीख गए तो उसमें आपको ना तो बार बार रिवीजन करना है, और लगभग वो आपको 70 मार्क्स की आएगी। यदि मैं बात करूं पेपर 5 हिंदी की, तो मैंने हिंदी को 2 भागों में बांटा है। एक हिंदी में भाग है जो याद करने वाला है, ठीक है, जिसमें पर्यायवाची है, मुहावरे हैं, विलोम शब्द हैं, तत्सम तद्भव है, प्रशासनिक शब्दावली है, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट जो है वो है व्याकरण है। तो हिंदी में जो याद करने वाला पार्ट है वो लगभग 120 से 130 मार्क्स का आता है,
और बाकी बचे हुए नंबर की व्याकरण आती है। याद करने वाले पार्ट में सबसे अच्छी बात है कि पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। जैसे मान लो दसम तत्व आया, उन्हें पूछा अंदर का, तो अपन ने क्या गया अंतःपुर। तो यदि आप सही लिख के आए हो तो आपको तीन में से तीन नंबर मिलेंगे। मान लो विलोम शब्द आया, दिन आया है, तो दिन का रात, तो आपको तीन में से तीन नंबर मिलेंगे। और साथ ही आप ऐसे राइटिंग की भी प्रैक्टिस करें, ऐसे को करंट के साथ जोड़ें। अभी राम अकेडमी द्वारा जब ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी तो आपको लगातार ऐसे राइटिंग, केस स्टडी और थिंकर्स, इन पर लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी। तीनों सब्जेक्ट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का MPPSC में वेटेज बहुत अधिक है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे कि GS पेपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में आपको मध्य प्रदेश के बहुत से क्वेश्चन देखने मिलेंगे। और इन तीनों पेपर में मिला के लगभग 200 नंबर से ज़्यादा का MP पूछा जाता है। तो आप MP को बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो पढ़ते समय MP को आप अलग से तैयार करें। MP का आप ज्योग्राफी वाला पार्ट, MP का कल्चरल पार्ट, MP का हिस्ट्री वाला पार्ट और MP का इकोनॉमी वाला पार्ट, इन सब को अलग अलग जाकर तैयार करें। वो आपको कम समय में भी तैयार होगा और आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स भी दिलाएगा। तो यदि मैं बात करूं MP और लास्ट के तीन पेपर, यदि मैं इन तीनों को मिला लूं तो लगभग जो मार्क्स हो गए, 200 नंबर में मान लूं MP के, 200 नंबर मान लूं इथिक्स के, 200 नंबर मान लूं हिंदी के और 100 ऐसे राइटिंग के, तो लगभग नंबर होते हैं 700। तो लगभग 50% जो PSC है वो आपका इन चार चीज़ों से तैयार होगा। और इनको आप बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और जो चार सब्जेक्ट ही हैं वो आपको बहुत अच्छी रैंक दिलाएंगे। साथ ही जो बचे हुए तीन पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, इनको अपन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। इनको प्लानिंग करके स्ट्रेटजी बना के तैयार करना है। इनका सिलेबस बहुत लेंदी है और विद्यार्थियों को बार बार भूलता है, तो अपन को इनका जो सिलेबस है उसको बार बार रिवीजन भी करना है। राम अकेडमी द्वारा ऑनलाइन क्लासेस में इन तीनों पेपर की जो स्ट्रेटजी है और इन पेपर के एक एक पॉइंट पे जाकर आपको बताया जाएगा कि इनको कैसे तैयार करना है। राम अकेडमी जबलपुर द्वारा प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को 2019 मेंस के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, जो प्रदेश के सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इन ऑनलाइन क्लासेस में जो दो दिन की क्लास होगी बीच में, वह केस स्टडी, थिंकर्स और ऐसे राइटिंग पर होगी। इन दो दिन की क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे ऐसे राइटिंग की जाती है, कैसे ऐसे की ड्राफ्टिंग की जाती है, कैसे ऐसे का कंटेंट तैयार किया जाता है तथा कैसे ऐसे को करंट से जोड़ा जाता है। साथ ही आपको बताया जाएगा कि कैसे केस स्टडी को सॉल्व करना है, कैसे केस स्टडी के आंसर लिखने हैं और कैसे केस स्टडी में इथिक्स की शब्दावली का अपन को प्रयोग करना है। और साथ ही आपको थिंकर्स पे भी डिस्कशन किया जाएगा। एक दिन की जो क्लास होगी वो MP पर होगी। उसमें MP के जो सभी पार्ट हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कल्चरल हो या इकोनॉमी हो, इन सब पर डिस्कशन होगा। और बाकी जो बचे हुए बीक के दिन हैं उनमें पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड, इन तीनों पेपर की रिवीजन और साथ में इनका पढ़ने का तरीका आपको बताया जाएगा। जो वीक में 7 दिन की ऑनलाइन क्लासेस होंगी, उन सभी क्लासेस में आपको सभी सब्जेक्ट का रिवीजन होगा, उनकी आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी, ड्राफ्टिंग सिखाई जाएगी। साथ ही बताया जाएगा कि जो मेंस में नए क्वेश्चन आते हैं उनका आपको आंसर कैसे लिखना है। तो जो ऑनलाइन क्लासेस चालू होने वाली हैं, उन ऑनलाइन क्लासेस में सिलेक्टेड लोगों द्वारा भी आपको गाइड किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस का जो टाइम टेबल है वो आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। साथ ही राम अकेडमी जबलपुर द्वारा MPPSC मेंस 2019 को लेकर टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जा रही है, जिसमें हमने 21 टेस्ट रखे हैं और आने वाले 2 महीने में वो 21 टेस्ट कराए जाएंगे, जिनकी कुछ कॉस्ट होगी। जो बच्चे राम अकेडमी की टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेते हैं उनकी टेस्ट कॉपी का रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू के 2 तरीके होंगे। जो बच्चे जबलपुर के हैं वह सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और मास्क लगाकर हमसे मेंस की कॉपी कलेक्ट करेंगे। घर में उनको ऑनलाइन टेस्ट पेपर मिलेगा
और वह घर में टेस्ट लिखेंगे, और टेस्ट लिखने के बाद वो बच्चे हमारे पास कॉपी जमा करके जाएंगे। हम उन कॉपी को चेक करेंगे, उनमें रिव्यू करेंगे, उनमें मार्किंग करेंगे, बच्चे की कमियों को लिखेंगे और कैसे आंसर्स को सुधार किया जाए उनको लिखेंगे। और इसके बाद स्टूडेंट को हम कॉल करेंगे, वो विद्यार्थी आकर सोशल डिस्टेंस के साथ अपनी कॉपी को वापस लेके जाएगा। साथ ही जो विद्यार्थी आउट ऑफ जबलपुर हैं या मध्य प्रदेश के हैं, वो बच्चे को ऑनलाइन पेपर मिलेगा, वो बच्चा घर में आंसर लिखेगा, और साथ ही लिखने के बाद हमें कॉपी को स्कैन करके भेजेगा। हम कॉपी को चेक करेंगे, और चेक करने के बाद हम उस विद्यार्थी को कॉल करेंगे, और कॉल करके हम उसको फोन में बताएंगे कि उसकी किस क्वेश्चन में क्या क्या कमियां हैं, उसको उसने जो क्वेश्चंस लिखे हैं, आंसर्स लिखा है, उसके अकॉर्डिंग कितने नंबर मिलते और उसमें क्या सुधार किया जाए। तो जो आउट ऑफ जबलपुर बच्चे हैं उनका रिव्यू कॉल पर किया जाएगा। साथ ही राम अकेडमी जबलपुर द्वारा 5 क्वेश्चन और उनके मॉडल आंसर का लॉकडाउन प्रोग्राम पिछले 60 दिन से चलता आ रहा था, वह कंटिन्यू रहेगा। उससे आप डेली आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही जो विद्यार्थी पिछले 60 दिन के क्वेश्चन और उनके मॉडल आंसर चाहते हैं, वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर देख सकते हैं, और यदि किसी व्यक्ति को समस्या है तो वह हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी अपने समय का सदुपयोग करें, आत्मविश्वास और सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखें, अच्छे मन, विचार, भाव और एकाग्रता के साथ तैयारी करें, हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को ऑल दी बेस्ट। धन्यवाद।